हेलो, क्या वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन की। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना चर्चा को हम काफी आगे बढ़ा कर गए थे। बस ये डिस्कशन हमारा पेंडिंग है कि प्रोफेशन चेंज क्या है, ठीक है ना। मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने ना बेटा आपको इतना बता दिया था कि सीए बनने के बाद हमारे पास ना तीन चॉइसेस होती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से ज्यादा बता सकता हूँ बेटा, क्योंकि मैं वो हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर के एंगल से, लॉयर के एंगल से इतना नहीं बता सकता। कोशिश करके ये बात अच्छा समझती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, सेकेंड ऑप्शन होता है कि मैं जॉब कर लूँ, और थर्ड ऑप्शन होता है कि मैं प्रैक्टिस या जॉब ना करूँ, कुछ और करूँ। और कुछ और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है और दुनिया क्या क्या करती है, मैंने सब बताया। तो ये बोलना कि सीए बनने के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, ये भी गलत बात है। दुनिया बहुत कुछ करती है सीए बनने के बाद। अब मैं बता देता हूँ बेटा, चाहे आप कुछ ही करो तीनों में से, आप क्या चाहते हो, आप अपने इंस्टीट्यूट से चाहते हो कि आप हमें मेंबरशिप नंबर दे दो। तो वो सीए कराने वाला ऑल ओवर इंडिया एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईसीआई। ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पूरे पूरे स्कीम कराने वाला पूरे इंडिया में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, बाकी सब जगहों पर इसकी ब्रांचेस हैं, अलग तो कुछ नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट है। बेटा, आपने आईसीआई को कहा कि मैं तीनों में से कुछ भी करूं, मुझे तो मेंबरशिप नंबर सबसे पहले चाहिए। बेटा, मेंबरशिप नंबर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमारा आईसीआई एक रजिस्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, रजिस्टर ऑफ सीए बनाना। बेटा, पहले नंबर पे जो सीए बना उसका नाम लिखा, दूसरे नंबर पे जो सीए बना उसका नाम लिखा, तीसरे नंबर पे जो बना उसका नाम लिखा, हर एक यूनिक नंबर के सामने एक पर्सन जो सीए बनता है उसका नाम लिखा रहता है, उसे बोलते हैं उसका मेंबरशिप नंबर, ठीक है जी। मेरा भी है मेंबरशिप नंबर 535538, ये मेरा मेंबरशिप नंबर है, 535538 वाला नंबर है, ठीक है जी। ऑब्वियसली इस सबका एक यूनिक नंबर ही होता होगा, कोई कॉपर्ड नंबर नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ चाहे आपने नौकरी करनी, चाहे कुछ भी नहीं करना, सीए बन के आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि इस रजिस्टर में मेरा नाम लिखा जाए। जब इतनी मेहनत करके आपने सीए फाइनल क्लियर कर लिया, तो क्यों नहीं चाहोगे कि इस रजिस्टर में नाम लिखा जाए, नाम तो लिखवाना चाहेंगे सर। बेटा, अब आपने डिसाइड करा कि आप ना प्रैक्टिस करना चाहते हो। देखो, अगर आपने जॉब करनी है या कुछ और करना है, तो आपको कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा मेंबरशिप नंबर लिया, नौकरी करना शुरू कर सकते हो, या सीधा मेंबरशिप नंबर लिया, कुछ और कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इंस्टीट्यूट को कहते हो कि मुझे एक और डॉक्यूमेंट दे दीजिए। नौकरी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करनी है तो एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इट इज नोन एज सीओपी, प्यार से बोलते हैं सीओपी। बेटा मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बेटा प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, भगवान ना करे वैसा कभी ऐसा हो, कभी किसी डॉक्टर के कैबिन में जाते हो ना, उसकी सीट के ऊपर देखना बेटा, एक फ्रेम में लगा होगा सीओपी, एक फ्रेम में लगा होगा बेटा मेंबरशिप नंबर, एक पे मोहर लगी होगी रेड कलर की, एक पे मोहर लगी होगी ब्लू कलर की। किसी सीए के ऑफिस में जाते हो तो भी देख लेना, किसी लॉयर के ऑफिस में जाते हो तो भी देख लेना, हमेशा दोनों चीजें होती हैं, मेंबरशिप नंबर भी होता है, सीओपी भी होता है। ये इशू कौन करता है बेटा, आपकी प्रोफेशनल बॉडी। जैसे सीए के लिए तो आईसीआई है, ऐसे ही बेटा कंपनी सेक्रेटरी के लिए आईसीएसआई है, ऐसे ही बेटा कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए आईसीएमएआई है, ऐसे बेटा लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आईएमए। तो सबकी कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडी होती है। अब मैंने इंस्टीट्यूट को कहा जी मुझे सीओपी दे दो, इंस्टीट्यूट ने कहा जी मेरी कुछ शर्तें हैं, ये सम्मान का हो तो दे देते हैं सीओपी। तो मैंने कहा जी बताओ सर क्या शर्तें हैं आपकी। तो बेटा मेरे घर 24 शर्तें लिखी हुई आ गई, ये 24 शर्तों पर साइन कर दो तो दे देते हैं। भाई 24 शर्तें क्या है बेटा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैंने आपको कभी ना कभी 11th क्लास में बताया था बेटा, सीए कभी ऐड नहीं कर सकता, एक शर्त होती है, कभी भी नहीं कर सकते आप।
आपका एड्रेस सिर्फ तीन जगहों पर दिखाई दे सकता है, घर के बाहर नेम प्लेट हो सकती है आपकी, पहला। दूसरा, आपकी बेटा ऑफिस के बाहर फ्लेक्स बोर्ड हो सकता है, और फ्लेक्स बोर्ड भी बता देता हूँ, कलर भी फिक्स है, कितने कलर में ऐड करना है, कितना साइज हो सकता है फ्लेक्स बोर्ड का, मतलब मजाक नहीं है ये कि येलो, बैंगनी, पिंक, कोई भी कलर का बोर्ड लगा दिया, ये भी नहीं कर सकते। व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड होता है, साइज भी फिक्स है, ठीक है जी। तीसरा, आप प्रोफेशनल स्टेशनरी पे ऐड कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड पर, या बेटा जो आपके ऑफिस की फाइल्स आप छपवाते हो वो प्रोफेशनल स्टेशनरी में ऐड कर सकते हो। तीन जगह ऐड कर सकते हो, घर के बाहर नेम प्लेट लगा सकते हो, ऑफिस के बाहर फ्लेक्स बोर्ड लगा सकते हो, और अपनी प्रोफेशनल स्टेशनरी यानी कि विजिटिंग कार्ड और फाइल पर ऐड कर सकते हो, चौथी कोई जगह ही नहीं। तो बेटा ऐसे 24 शर्तें, मैंने एक शर्त का एग्जाम्पल दिया आपको, जब ये आप 24 शर्तें मानने के लिए एग्री कर देते हो, साइन करके डॉक्यूमेंट भिजवा देते हो इंस्टीट्यूट, तो आपके घर COP आता है। बेटा अब आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपना ऑफिस खोल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा कि प्रोफेशनल क्या हुआ। देखो जनरली लोग बेटा सीधे ऐसा बोलते हैं, CA इज अ प्रोफेशनल, बट भाई एक बात बताओ, CA बनने के बाद अगर किसी इंसान ने नौकरी कर ली तो बेटा वो प्रोफेशन में है या एम्प्लॉयमेंट में है? मैं 11th क्लास में ऐसे ही पूछता था बेटा, अगर CA बनने के बाद नौकरी ही शुरू कर दी तो बेटा आप कोई प्रोफेशनल नहीं होंगे, आप तो एम्प्लॉयमेंट में आ गए। सेम बात बेटा, आप डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बनने मतलब MBBS आपकी क्लियर होगी, MD हो गई, स्पेशलिस्ट हो गए हो बेटा, स्पेशलाइजेशन के बाद आपने क्या करा, मैक्स हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी, नौकरी शुरू कर दी, और वो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, यू आर इन एम्प्लॉयमेंट। समझ में आती है बात? यानी कि बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अ डॉक्टर इन प्रैक्टिस, अ लॉयर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, ठीक है जी। और बेटा प्रैक्टिस मतलब ऑफिस खोलने को या क्लिनिक खोलने को प्रैक्टिस बोला जाता है, मुझे नहीं पता आप इस बात से क्या समझते हैं, पर पता है ना बेटा क्यों इसका नाम प्रैक्टिस है, मैंने कभी बताया उसका पहले लगे तुम्हें। क्या करता है डॉक्टर बेटा क्लिनिक खोलकर, आपकी बॉडी पे प्रैक्टिस ही तो करता है। सीए क्या करता है, आपकी फाइल पे प्रैक्टिस ही तो करता है। इसको प्रैक्टिस इसलिए बोला गया बेटा, पता नहीं 10 ही साल बाद भी आप कोई नई चीज सीख रहे होंगे, तभी ये प्रैक्टिस है। डॉक्टर क्या करता है, मैं आपको आइडिया देता हूँ भाई, शुरू शुरू में तो नया नया वाला डॉक्टर है, अभी खोला है क्लिनिक, ठीक है, उसने इंटर्नशिप करी है 4 साल, उसने भी किसी हॉस्पिटल में सर्विसेज दी है, तगड़े तगड़े केस देखे। ऐसी आपने जब बेटा इंटर्नशिप की होती है सीए ने, 3 साल आपने भी बेटा अपने ऑफिस में जहां पर भी आपने इंटर्नशिप की है आपने सभी केसेस देखे होते हैं, इनकम टैक्स के, GST के, सब देखा होता है। बट भाई अपने ऑफिस में ना एक नया ही कॉन्फिडेंस ही होता है। आज क्लाइंट एंटर हुआ मेरे ऑफिस में, उसने कहा जी मेरा कोई इनकम टैक्स का केस है, ये मैटर है सर, आप केस लड़ दो। सर क्या करेंगे हम, सर प्रैक्टिस ही करेंगे उसकी फाइल पे, क्योंकि बहुत बार आपने इंटर्नशिप में खुद से केस नहीं लड़ा होता, वहां तो सपोर्ट होता है ना, आपका CA साथ में जा रहा है, वो सिखा रहा है, कभी हमने डायरेक्टली नहीं लड़ा होता केस, कभी डायरेक्टली सेक्शंस नहीं बोले होते, कभी बेटा वर्बल इतना कम्युनिकेट नहीं किया होता, और अपने ऑफिस में तो बेटा सारे काम खुद कर लें। अब बेटा आप क्लाइंट की फाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर भी ऐसे करते हैं, आप वो क्या करते हैं, आपने अभी फीवर है 3 दिन के बाद दिखाना, मेडिसिन लिख दी 3 दिन के बाद, हाँ 3 दिन के बाद आया आपने कहा जी मेडिसिन से ठीक नहीं, तो अच्छा ठीक नहीं हो, ये मेडिसिन काटी और मेडिसिन लिख दी, अब 3 दिन के बाद बता दी आपने, अब 3 दिन के बाद जी अब बहुत बेटर लग रहा है, चलो 4 दिन मेडिसिन और ले लो और लेके बंद कर देना, खत्म। क्या किया उसने, शुरू में देखेंगे ना ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, पहली बार जब आपको बुलाते हैं ना उसके बाद दूसरी बार बहुत जल्दी बुलाते हैं, जैसे मैंने बोला 3 दिन के बाद, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी बॉडी के ऊपर, आपने कहा जी ठीक है तो उसने कंटिन्यू कर दी मेडिसिन, आपने कहा जी ठीक नहीं है उसने मेडिसिन चेंज कर दी, आपकी बॉडी पे प्रैक्टिस करी उसने। अब उसको 1, 2, 10 केस, 20 केस, 1000 केस देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेडिसिन कितने फीवर में काम नहीं करती, ये दूसरी वाली काम करती है। अब 10 साल 20 साल के बाद वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, उसे पता होता है कि ये मेडिसिन काम करेगी, क्योंकि उसने आपकी बॉडी पर इतनी प्रैक्टिस कर ली है।
अब क्या करता है वो, जैसे डॉक्टर हमारे संजीव मित्तल जी, वो तो भैया मास्टर आदमी हो चुके हैं, दिन भर के 300-300 केस देखना और कितने साल से प्रैक्टिस चल रही है, तो आइडिया समझ सकते हो कितना मास्टर हो चुका आदमी। तो वो तो सीधा कहते हैं 15 दिन के बाद दिखाना, 15 दिन मेडिसिन लो, 15 दिन के बाद दिखाना। उन्हें पता है काम करेगी करेगी, आप कहोगे नहीं वो, ये प्रैक्टिस है। समझ में आती है बात? ठीक है, आगे बढ़ाए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन की, मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन का मतलब सबको पता है, जब आप मैनेजमेंट ऐसा साइंस एंड आर्ट बुक से पढ़ चुके हो, मैनेजमेंट को मुझे कंपेयर करना है प्रोफेशन के साथ कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। ठीक है बाबू, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, यही करते हैं फटाफट से, प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ना जल्दी से, स्पीड बढ़ाकर यही करना था। क्या पेज नंबर, पेज नंबर 10 पर प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़ना बाबू। बेटा अगर प्रोफेशन की डेफिनेशन में कुछ समझ नहीं भी आया तो फीचर पढ़ते पढ़ते सब क्लियर हो जाएगा। पहली हेडिंग लिखी हुई है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा कोई भी प्रोफेशन है एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है बाबू, बहुत सारी नॉलेज इम्पार्ट की जाती है थियोरेटिकल लेक्चर्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती है कोई भी प्रोफेशन। इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ की बात कर लो और मेडिसिन की बात कर लो, बेटा अगर आपको प्रोफेशनल बनाया जा रहा है तो बहुत सारी एजुकेशन दी जाएगी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी, ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी जाएगी। जब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे, पेपर क्लियर नहीं कर लोगे, कोई प्रोफेशनल नहीं होगी। तो कोई भी प्रोफेशन है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बड़े सारे थीसिस हैं, बड़े सारे लेक्चर हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बट बेटा बट अबाउट मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है मैनेजमेंट में ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं है? बेटा प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट की डिग्री जिसका नाम मैंने बताया था कल आपको MBA, ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी बहुत सारी बेटा नॉलेज इम्पार्ट की जाती है प्रैक्टिकल के थ्रू और थ्योरी के थ्रू। बेटा इंडिया में बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं आज की तारीख में, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सुना ही आपने सबसे उस दिन करियर काउंसलिंग सेशन भी था, IIM रोहतक, IIM खड़गपुर, बहुत सारे IIM हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं दे रहे आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मैनेजर बनाने से पहले भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप, कभी कोई बिजनेस स्कूल 3 महीने की इंटर्नशिप मांगता है। तो बेटा ये फीचर तो प्रेजेंट है, पहला फीचर तो बिल्कुल प्रेजेंट है। आगे बढ़ाए, अगर सारे फीचर प्रेजेंट हुए तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोफेशन है, अदरवाइज नहीं। अब वो सेकेंड फीचर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा एक बात बताओ, किसी भी प्रोफेशन में आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है कि नहीं, थ्रू क्लियरिंग एंड एग्जामिनेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में डायरेक्टली एंटर नहीं कर जाओगे, ये नहीं कहते कि मैं प्रोफेशनल बन गया, नहीं मैं सीए बन गया। योर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू क्लियरिंग एंड एग्जामिनेशन। जैसे कि सीए में सीए फाइनल एग्जाम जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक यू आर नॉट अ सीए, आपकी एंट्री उसमें रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। ऐसे ही MBBS अगर कर रहे हो, बेसिक डिग्री तो डॉक्टर बनने के लिए MBBS ही है, अगर बेटा उसका लास्ट सेमेस्टर क्लियर ना हुआ तब तक बेटा डॉक्टर भी नहीं है। सेम वे बेटा अगर लॉ का लास्ट सेमेस्टर क्लियर ना करा तब तक बेटा लॉयर भी नहीं है। तो किसी भी प्रोफेशन में आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू क्लियरिंग एंड एग्जामिनेशन। जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप वहाँ प्रोफेशनल की लाइन पर नहीं जा पाए। ठीक है, पर क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? बेटा ज्यादातर केस में है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में नहीं है। बाबू क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, आप बेटा बहुत सारी जगह पर देखते हो कि लोग मैनेजर बनकर बैठे हुए हैं और उन्होंने MBA डिग्री भी नहीं की, अपना डेसिग्नेशन लगाते हैं मैनेजर और बेटा डिग्री नहीं होती। अगर मैं बात करूँ 3 स्टार 4 स्टार होटल की बात, बेटा होटल मैनेजमेंट क्लियर भी नहीं होता, कहीं कोई होटल मैनेजमेंट का बारे में पता भी नहीं होता, एच भी नहीं पता होता। और बेटा क्योंकि बड़े सालों से होटल में नौकरी कर रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनको होटल वालों ने क्या करा, मैनेजर बना दिया बिना डिग्री के।
और बेटा हम बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं लोग पैसों के दम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक बने होते हैं, क्योंकि तो उनके पास पैसा है, पढ़ाई उन्होंने नहीं कभी करी, एमबीए नहीं पास करी, सिर्फ पैसा था, अपनी कंपनी खोली, पोस्ट लेते गए, बड़े से बड़ी मैनेजर बन के बैठे हैं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठा है, कोई सीईओ, कोई सीएफओ, बिना किसी डिग्री के। तो बेटा यहाँ आपकी एंट्री मैनेजमेंट में, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है थ्रू क्लियरिंग एंड एग्जामिनेशन, बिना एमबीए के भी लोग अपने आप को मैनेजर बुलाते हैं, है ना? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर, कईयों को तो आप जानते हो, कईयों को मैं भी जानता हूँ। तो बेटा ये फीचर प्रेजेंट नहीं हुआ। थर्ड फीचर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है बेटा, जैसे कि सीए के हिसाब से बोलो, मैंने भी बोला था बेटा आईसीआई, सीएस के हिसाब से आईसीएसआई, बेटा सीएमए के हिसाब से आईसीएमएआई, लॉयर के हिसाब से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बेटा डॉक्टर के हिसाब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बेटा इन एसोसिएशन का मेंबर बनना जरूरी है। बाबू मैंने सीए क्लियर की और मैं सोचूं कि मैं अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर ना बनूं, बेटा आई कांट साइन इवन। अगर मैं मेंबर ना बना ना, मैं कभी साइन नहीं कर सकता, मेरे साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, साइन नहीं कर सकता भाई अगर इसका मेंबर नहीं हूं, मेरे साइन की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इन डिटेल, आपके आपको बात समझ में आए कि वो साइन की वैल्यू नहीं है। बैंक का एक डॉक्यूमेंट है, मुझे बैंक में अपने क्लाइंट की बैलेंस शीट भेजनी है साइन करके, ठीक है जी? जब हम साइन करते हैं ना, अब मैंने साइन कर दिया, मान लो मैं ऐसे ही साइन करता हूँ, ये तो कोई भी कॉपी कर सकता है, फिर तो कोई भी साइन करेगा, सीधा बैंक पहुंच के डॉक्यूमेंट, ये तो मेरे साइन 1 मिनट में फॉर्ज हो सकते हैं। बेटा नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, मैंने साइन तो कर दिए। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ना हमें यूडीएन लगाना होता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बताने के लिए कि मैंने साइन करे, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? ये कहां से जनरेट होता है? इसकी वेबसाइट से। मैं गया इसकी वेबसाइट पे, मैंने बताया कि मैं बैलेंस शीट को साइन कर रहा हूँ, मुझे यूडीएन चाहिए, यूडीएन जनरेट हुए, यूनिक नंबर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, साइन करके भेज दिया। बैंक क्या करता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि मनीष ने ही साइन करे हैं, इसकी वेबसाइट पे जाता है, चेक करता है मेरा अकाउंट और देखता है मैंने साइन करे हैं या नहीं करे। बिल्कुल मैंने करेंगे सब ऊपर। अब कोई भी मेरे साइन फिजिकली तो कॉपी कर सकता है, यूडीन तो जनरेट नहीं कर पाएगा, मेरा यूजर आईडी मेरा पासवर्ड है, ये समझ में है कि सीए ही कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कभी सपने में भी सोच सकता हूँ कि मैं इसका मेंबर ना हूं? अगर मैं इसका मेंबर नहीं होऊंगा, कल मेरा यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा, मेरे को यूडीन मिल पाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर पाऊंगा? आइडिया लग गया? तो बेटा किसी भी प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना बहुत जरूरी है, वरना आपकी कोई वर्थ नहीं। समझ आएगा? अब ये देखते हैं फीचर मैनेजमेंट प्रेजेंट है। बेटा हाल ही में कुछ साल पहले ही मैनेजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी एक नई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIME, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट बेटा मैनेजर्स को इसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है, हमें तो कंपलसरी है, हम तो इसके बिना बेकार है। बेटा आप इसके बिना बेकार नहीं है, आपने एमबीए करा, आप AIME का मेंबर नहीं बनना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो मैनेजर की जॉब में, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये फीचर प्रेजेंट नहीं हुआ मैनेजमेंट में, क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाए। अब वो फोर्थ हेडिंग इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी है, मैंने आपको बताया हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी है, सीए की भी एक प्रोफेशनल बॉडी है। बेटा ये इशू करती है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको मानना हर हाल में कंपलसरी, हर हाल में कंपलसरी, इसका मेंबर बने रहना है तो शर्तें माननी पड़ेगी इसकी, मैंने अभी बताया था ना 24 शर्तें, वही है बेटा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपने ब्रेक करी ना, सीओपी तक कैंसिल हो जाते हैं, पूरी जिंदगी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेंबरशिप तक कैंसिल हो जाते हैं, उस रजिस्टर से नाम हटा दिया जाता है, इतनी खतरनाक खतरनाक पनिशमेंट मिलती है। तो बेटा अगर मेंबर बने रहना है तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ेंगे, जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी इशू है। बेटा
अब क्या ये फीचर मैनेजर में प्रेजेंट है? अभी हमने पिछले फीचर में देखा कि मैनेजर्स को AIMA का मेंबर बनना ही जरूरी नहीं है। जब मेंबर ही बनना जरूरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट बात मानने क्यों जरूरी होगी? एक इंसान कह रहे मैं मेंबर ही नहीं बनता तो वो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं मानेगा। जो मेंबर बनेगा वही तो मानेगा ना कोड ऑफ कंडक्ट। जब मेंबर बने रहना कंपलसरी है तो कोड ऑफ कंडक्ट में मानना भी कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। ठीक है। एंड लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। बेटा कोई भी प्रोफेशन है दुनिया में सबका मोटिव सर्विस मोटिव है। मतलब बाबू देखो ऑल्दो प्रॉफिट कमा रही है पर बेटा कभी भी मोटो पैसा कमाने नहीं है। आप किसी भी बेटा प्रोफेशन के बारे में पढ़कर देख लो, डॉक्टर प्रोफेशन का मोटो पैसा कमाना नहीं है। ऑल्दो वो बात अलग है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल अलग में प्रॉफिट कमाते हैं, मोटो तो नहीं है। वो कहते हैं मोटो हमारा सर्विस करना ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यही कहते हैं। आपको बता देता हूँ कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हमेशा यही बोलती है और कोई भी प्रोफेशनल अपना कभी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट नहीं बनाता। P&L अकाउंट क्या निकलवाएगा? प्रॉफिट या लॉस। ये NPO की तरह अकाउंटिंग करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अभी आपने कभी NPO के अकाउंट नहीं पढ़े? आज से 4 साल पहले 12th क्लास में होते थे, कोविड के बाद से चैप्टर हटा दिया। सबसे काम की चीज थी ये, मुझे लगता है जो हटा दी गई वापसी कभी इंसर्ट नहीं होगी। सर कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो है हमेशा प्रोफेशनल को कहती है अपने अकाउंट्स ऐसे बनाने हैं। यू आर अ NPO नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बने, सर्विस देने के लिए बने। वो बात अलग है कि करोड़ों के प्रॉफिट आए पर मोटो नहीं है पैसा। ठीक है जी बाबू। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? बेटा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्योंकि देखो कल आप 11th क्लास में थे। जब आप 11th क्लास में थे आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया जाता था। बिजनेस में पढ़ाया जाता था बेटा आपको ना 11th क्लास से ही ट्रेन करा जाता है बिजनेस में कि ठीक है प्रॉफिट कमाना एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बिजनेस के लिए बट सोसाइटी का भला भी हमेशा साथ साथ सोच कर चलता है। यहीं से कहा जाता है। तो वो MBA में आप किसी फील्ड में MBA कर लो हर एक में कंपलसरी सब्जेक्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। BBA में भी बेटा कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हमेशा यही तैयार किया जाता है कि कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर मैनेजर बनोगे वहां अपने बॉस को अपने ऑनर्स को यही सिखाना है कि सोसाइटी का भला साथ सोचना। यानी कि आपको भी सर्विस मोटिव पूरा सिखाया जाता है। तो ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। पहला फीचर प्रोफेशन का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज और सर्विस मोटिव, ये दोनों प्रेजेंट है फर्स्ट और फिफ्थ। बीच के 3 फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट कोई फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मुझे आज का एक और टॉपिक करना है, निकालने जरा टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर नहीं भी निकालोगे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप सामने देख लो तो मुझे लगेगा वो भी मेरे लिए बिल्कुल ओके बात है। सामने देखना, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और 0 लेवल पे काम करते हैं मेरे वर्कर्स। सर ये टेबल मैंने वैसे बहुत बार बनाया है पूरे साल भर में बट बेटा इसके बारे में कभी बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया। मैंने कहा था करूंगा जब चैप्टर बनने का, तो वो आज परफेक्ट टाइम है डिस्कशन करते हैं। अच्छा ये तो पता ही है ना ये पिरामिड क्यों बनाते हैं? ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर सबसे ज्यादा, और अगर यहाँ बताना हो तो ये पिरामिड कितना बड़ा हो। वो टॉप लेवल का ये ट्रायंगल सबसे छोटा है, ये बताता है कि टॉप लेवल पे सबसे कम लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मिडल लेवल का ट्रायंगल थोड़ा सा और बड़ा है ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ वर्कर यहाँ थोड़े ज्यादा होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे कोई बुक बनाती नहीं पर अगर 0 लेवल बनाना हो तो यहाँ हद से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना जी। कभी भी इस डायग्राम को ऐसे मत बनाना पेपर में कि आपने बेटा ये 4 बॉक्स खरीद खींच दिए और आपने सोचा नहीं बस हो गया मेरा तो कार्रवाई भी नंबर नहीं मिलेंगे। 1 मिनट में टीचर काट के भेज देगा इसको। ठीक है जी। अब आओ कौन लोग कहाँ पर काम करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन का मुद्दा बेटा। सारे मैनेजर्स यहाँ पर काम करते हैं, सारे के सारे मैनेजर्स। बहुत बार बताया मैंने, परचेस मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजर हो, फैक्ट्री मैनेजर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, सारे मैनेजर यहाँ पर काम करेंगे दो को छोड़कर। बेटा एक मैनेजर यहाँ पर काम करता है जिसको बोलते हैं GM, जनरल मैनेजर।
मैनेजर बेटा, सारे के सारे मैनेजर्स जनरली जीएम को रिपोर्ट करते हैं। अगर सारे मैनेजर जीएम को रिपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली जीएम इन सबसे तो ऊपर वाले लेवल पे होगा ना, तभी तो रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर बात? और एक मैनेजर बेटा लोअर लेवल पे काम करता है, इससे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर। और मैं बच्चों को कहता हूं कैसे इसको याद रखो बेटा, क्योंकि इसका लाइन में नंबर पहला है। वर्कर तो कोई नहीं बनाता ना, किसी किताब में नहीं है, ये तो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि इनका लाइन में नंबर पहला है। मैं तो ऐसे याद रखता था, फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है जी, अब टॉप लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट आती है, मैंने सारी वैसे पोस्ट मेंशन की हुई है बेटा। जितनी तगड़ी पोस्ट आप सोच सकते हो, जो मूवीज में सुनते हो, वो तो सब यही आते हैं। बस कहाँ फंसता है बच्चा, मैं थोड़ा सा वो आइडिया दूंगा। देखो, एक तो हमने जनरल मैनेजर का नाम लिख दिया, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चेयरमैन, पहले ही चार हो गए। सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन। बेटा यहीं पर आते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फंसता कहाँ है बच्चा? यहाँ उसके दिमाग में ना साइजन ही रहता है, प्रेसिडेंट यहाँ आता है। जैसे पेपर में बढ़ाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसको लगता है अच्छा वाइस है, प्रेसिडेंट के नीचे यहाँ चिपका दो, टॉप लेवल पे काम करता है। ठीक है जी बाबू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड दे या मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ड दे, ये सारे और जीएम, ये सब टॉप लेवल पे काम। ठीक है जी, सब तगड़े नाम है, सब तगड़े वर्ड है, कभी बोलता भी नहीं आदमी जनरली को। इसको तो वैसे ही नहीं बोलता, सारे मैनेजर यहाँ पर है। मैनेजर के अलावा एक नाम पेपर में सबसे ज्यादा आता है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। अगर कभी वर्ड है सुपरिंटेंडेंट, ध्यान रख लेना, सुपरिंटेंडेंट लोअर लेवल पे काम करता है। प्लांट सुपरिंटेंडेंट आ जाए तो बेटा मिडल लेवल पे काम करता है। और वो पेपर में आपको नाम आता है फॉरमैन, फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ी है तो फॉरमैन के बारे में मैंने वहां पर भी बहुत सब बताया, ठीक है ना? और वो लोअर लेवल पे काम करते हैं, ये भी वहां बता रखा। ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए जो मैंने नहीं बोले, सब लोअर लेवल की पोस्ट है, सब की सब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सुपरवाइजर आ जाए यही आएगा, कुछ और भी आ जाए सब यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बड़े आगे। अब बेटा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कह दिया मोहित एक पर्सन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एज अ प्लांट सुपरिंटेंडेंट, इसके फंक्शन लिखो। कभी आपको डायरेक्टली नहीं कहेगा टॉप लेवल के फंक्शन लिखो, या मिडिल लेवल के फंक्शन लिखो, या लोअर लेवल के फंक्शन लिखो। इनडायरेक्टली कोई पोजीशन का नाम देगा, कोई डेजिग्नेशन का नाम देगा, और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके फंक्शन लिखो। अब मैं कहता हूँ मैं चाहे सबके फंक्शन जानता हूँ, अगर जैसे ही मैंने कह दिया मोहित प्लांट सुपरिंटेंडेंट है, इसलिए वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, मानो मैंने गलत आइडेंटिफाई किया, क्या टीचर आगे पढ़ेगा? कुछ ही खत्म। बाबू कुछ इतना सा भी गलत होगा, सब कुछ उड़ गया, समझ में आएगा? तो डेजिग्नेशन हर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है जी, रही बात फंक्शन की, फंक्शन तो बेटा 2 ही मिनट के हैं, आपको ही तो लग रहा होगा फंक्शन बहुत बड़े हैं, बहुत मुश्किल है, 2 मिनट आओ खत्म करते हैं। टॉप लेवल के फंक्शन क्या है बेटा, मैं हमेशा कैसे याद करता हूँ टॉप लेवल के फंक्शन, ये समझ लो प्लीज, मेरी तरफ देखना, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सामने देखेंगे सब। बाबू टॉप लेवल के 5 फंक्शन आप कम से कम लिखोगे, ठीक है जी। मैंने कैसे याद किए हुए हैं, पोस्ट डीसी है ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग सबसे कम करता है टॉप लेवल, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोल, मैंने ऐसे याद किया था। क्या लिखोगे? प्लानिंग से 2 बातें लिखोगे कि टॉप लेवल डिप क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटअप करता है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। भाई और कौन करेगा ऑब्जेक्टिव सेट, इस साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करेगी, कौन बनाएगा? टॉप लेवल को बताएगा। दूसरा काम जो हम प्लानिंग में ही करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, मेजर पॉलिसीज, जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं सबकी सब टॉप लेवल बनाता है, मेजर पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये बात मैंने प्लानिंग में ही पढ़ी है, इसी वजह से मैंने इनको प्लानिंग के अंडर ही लिखा। ठीक है जी, पेपर में ये नाम ना लिख कर रहना,
यही नाम लिख कर रखना है हेडिंग, ठीक है बाबू। इसका नाम आप ऑर्गेनाइजिंग लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या पढ़ा था याद होगा, फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहां से याद करो क्या लिखोगे। टॉप लेवल डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी या डिविजनल, और फंक्शनल करेगी तो कितने डिपार्टमेंट में बांटेगी और डिविजनल करेगी तो कितने डिविजन में बांटेंगे ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल। और कौन सा लेवल कर सकता है आपको, आप बताओ इसको डिसाइड, किसी के पास अपनी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। बाबू स्टाफिंग में आप हेडिंग लिखोगे की अपॉइंटमेंट्स, की अपॉइंटमेंट्स। बेटा जितनी मेजर अपॉइंटमेंट होती है सब टॉप लेवल खुद करता है। वैसे मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है ज्यादातर केस में बेटा अपॉइंटमेंट कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक पोस्ट है वो करता है सारी अपॉइंटमेंट्स। लेकिन मैं कहूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की ही पोस्ट वैकेंट है, आज उसी का इंटरव्यू कंडक्ट होना है वो कौन करेगा, ऑब्वियसली भाई ये वाला लेवल करेगा। ये बाकी अपॉइंटमेंट तो कर सकता है, पर मैं कहूँ मिडल लेवल पे मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट करनी है वो तो टॉप लेवल खुद करना चाहेगा। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बाबू सारी मेजर अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, टॉप लेवल खुद करता है। चारों बातें समझ में, लॉन्ग टर्म गोल सेटअप करना, मेजर पॉलिसीज, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन को कितने डिवीजन में बांटना है, डिपार्टमेंट में बांटना है, की अपॉइंटमेंट्स। बेटा कंट्रोलिंग टॉप लेवल खुद करता है। सर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को। बेटा ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस मॉनिटर टॉप लेवल करता है, एज वेल एज ध्यान रख लेना जितने मेजर अपॉइंटमेंट उसने करे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस मॉनिटर खुद करता है। डॉक्टर चेक करता रहता है कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करता है टॉप लेवल। कहाँ से याद रखना है, मैं कहता हूँ मैंने कई साल पहले इसको पढ़ा था, मैं दोबारा देखता भी नहीं, मुझे ऐसे याद रखता है। क्लियर है बात, समझ आती है, आगे बढ़े बात बेटा। हाँ एक और मिडल लेवल के फंक्शन, चलो लोअर लेवल के कर लो, मिडल लेवल के कल कराते हैं, ठीक है जी। बाबू कभी आपने मुझसे सुपरवाइजर के फंक्शन पढ़े थे, डायरेक्टिंग कट कॉपी पेस्ट नहीं चुका है। बाबू सबसे पहली हेडिंग लिखना लिंक, लिंक पहला फंक्शन। लोअर लेवल इज द लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडल लेवल, क्योंकि आप लिंक हो तो आपकी जिम्मेदारी कम्युनिकेशन की भी है। लोअर लेवल क्या करता है, इनके ऑर्डर सामने देखो, मिडल लेवल के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं वर्कर को, और इनकी ओपिनियन ग्रीवेंसेस पास ऑन करते हैं मिडल लेवल को। दो बातें क्लियर बाबू, वर्कर डिसिप्लिन में रहे ये कौन इंश्योर करेगा, लोअर लेवल करेगा। तीसरा फंक्शन आपको डिसिप्लिन इंश्योर करना है। बाबू वर्कर की सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा, आप इंश्योर करोगे वर्कर सेफ रहे, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कम से कम हो, ये आप इंश्योर करोगे। डिसिप्लिन थर्ड हेडिंग, सेफ्टी चौथी हेडिंग, पांचवी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वर्कर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन देगा, सर आप ही हो डायरेक्ट टच में वर्कर के, तो ट्रेनिंग देना किसका काम, आप ही दोगे, और तो कोई नहीं दे सकता। समझ आई बात, अभी तक मैंने जितनी भी बोली, ठीक है जी बेटा। उनके साथ आप एक्ट करोगे एज अ फिलोसफर, एज अ गाइड, एज अ सुपरवाइजर। हेडिंग दे सकते हो सुपरवाइजर, हेडिंग दे सकते हो गाइड, हेडिंग दे सकते हो फिलोसफर, ठीक है। छह सात बातें कर दी मैंने और लगभग बता देता हूँ, एक और बात भी कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड। बेटा आपने वर्कर्स ने फिनिश गुड्स बना दी, उसको आप चेक करोगे वो सही बन रहा है, शेप कलर साइज डायमेंशन, अगर वो खराब बन रहा है तो डिस्कार्ड कर दो, मार्केट में बेचने के लिए नहीं चाहता, और अगर वो ठीक बन रहा है तो बिल्कुल शाबाशी दो वर्कर को। तो वर्कर का काम चेक करना यानी कि सुपरवाइज करना क्या आप ही नहीं, मैंने छह सात बातें तो बोली थी, तो ये लगभग वही बातें बोली जो सुपरवाइजर में भी मैंने सही नहीं बोली थी, कुछ अनोखी नहीं बोल रहा। क्लियर है, मेरा लेवल के फंक्शन रहते, अरे कर लो यार निपटाओ, मेरे को फिर कल दोबारा शुरू करना पड़ेगा सारा घंटा निपटा। एक मिनट की बात है बाबू, मिडल लेवल के फंक्शन की बात करूं तो लिंक और कम्युनिकेशन सेम, तभी मैं कह रहा हूँ इसमें मेहनत नहीं है ना, वरना कल दोबारा करनी पड़ेगी। लिंक और कम्युनिकेशन सेम, मिडल लेवल से लिंक बिटवीन टॉप लेवल है लोअर लेवल, क्योंकि आप लिंक को तो कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी आपकी है। बाबू इनके ऑर्डर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करोगे लोअर लेवल को, इनकी ओपिनियन ग्रीवेंसेस पास ऑन करोगे टॉप लेवल को,
दो बातें तो सही, बाबू दो बातें यहां से उठाओ इसके फंक्शन से। बेटा अगर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इनके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मिडल लेवल ये सेट करता है। बाबू इनके डिपार्टमेंट यही होंगे ना, ये मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही तो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का ही तो सेल्स मैनेजर होता है, वही तो बताएगा मेरे डिपार्टमेंट इस साल क्या करेगा। बाबू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ये जिम्मेदारी मिडल लेवल की है। समझ आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा पॉलिसीज ये बनाता है, ऑब्वियसली आप इनको ऑर्डर भी दे सकते हो, ओपिनियन तो दे सकते हो, आप इनको ओपिनियन दे सकते हो कि आप इस पॉलिसी को रिव्यू कर लो एक बार, और अगर आपको कमी लगती है तो रिवाइज भी कर दो, ठीक है ना। आप क्या करते हो, रेकमेंड करते हो इनको, ऑर्डर नहीं दे सकते, रेकमेंडेशन तो दे सकते हो कि मैं रेकमेंड करता हूँ सर आपको एक बार ये पॉलिसी दोबारा से रिव्यू करो, एक बार अच्छे से पढ़ो, उसमें मुझे कुछ फॉल्ट लगे, अगर आपको फॉल्ट लगे तो प्लीज रिवाइज कर दो। ऑर्डर तो नहीं दे सकते पर रेकमेंड तो कर ही सकते हो कि ऐसा कर लो, ठीक है जी। मैंने यहीं से दोनों बातें उठाई, दिख गया ठीक है। लिंक और कम्युनिकेशन पुरानी बात, एक आखिरी बात असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी ये बात बहुत सारी जगह पर आ सकती है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी बाबू मिडल लेवल ही लोअर लेवल को असाइन करता है जॉब, कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, कौन ऐसा फॉरमैन काम करेगा, कौन ऐसा सुपरवाइजर काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये मिडल सबसे आसान लगते हैं मुझे फंक्शन। कभी चिपका दो पेपर, आ चलो यहीं बिठा लेंगे आपको, इतनी किताब पे समझ हासिल कर ली है कि अब तो यहीं बिठा लेंगे आपको, ठीक है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों।